अंडे को रख के वो धूम्रीकरण करना है, ये वाला है, ये ले उसको धूम्रीकरण बोलते हैं। मतलब जितना बैक्टीरिया वायरस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मार देना चाहिए अंडे से, है ना। ये पात्र में ये पोटेशियम परमैंगनेट मालूम है, लाल लाल होता है जो पोटाश पानी बोलते हैं ना, ये इसको और एक फॉर्मालिन आता है केमिकल, वो दोनों को उसमें डाल देने से वो धुआं हो जाएगा, है धुआं होने से ये अंदर रख देगा, धुआं होकर वो जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मरता है अंडे से, है ना। पहला डिसइनफेक्शन ये है अंडे का। अंडा कलेक्शन किया जाएगा, धूम्रीकरण के रूम पे या फ्यूमिगेशन रूम पे रख के पोटेशियम परमैंगनेट एंड फॉर्मालिन आज पर दी आइटम, है ना। अंडे के लिए हैचिंग एग्स के लिए 3 eggs में हम 20 मिनट तक करते हैं। सर ऐसा डाला तो धुआं टाइप निकलता है ना, निकलता है। हाँ। ये दोनों ये पोटेशियम परमैंगनेट और फॉर्मालिन, इसको सपोज 10 ग्राम डाला, फॉर्मालिन 20 ml डालना है, ये 40 ग्राम डाला उसको 80 ml डालना है, ये 50 ग्राम डाला है उसको, ये क्या है पोटेशियम परमैंगनेट, और वो तो पात्र है चाइना माटी। कितना डालना पड़ता है? फॉर्मालिन में टाकला ना त्याच्यात धूळ निघतो त्याच्यात, अंडे बिंडे आपको देखा नहीं। फॉर्मालिन मतलब धुआं, फॉर्मालिन ये केमिकल है, हां वो केमिकल है, ये केमिकल दो केमिकल को रिएक्शन में एक मिक्स केले ना धुआं लाया नहीं, म्हणजे अंडे एकदम चांगले राहतात। अरे 5 लीटर है, बहुत सारे फॉर्मालिन है, उधर से लाके इधर रखना है, रखो आपके पास दोनों का केमिकल रिएक्शन होने से ये क्या होता है जो धूम्रीकरण दूर निकलती होगी। 20 मिनट तक इधर रख लेंगे, 20 मिनट में 3 eggs में रखेगा। सपोज इसको 50 ग्राम दिया, 150 ml क्या देना फॉर्मालिन, 3 गुना देने से ये इसमें पात्र में, ये लोखंड के पात्र में नहीं होगा रिएक्शन, मट्टी के चाइना मट्टी के पात्र में, तो फिर वो धुआं अंदर पैक करने का, ये पैक कर देने का, बंद कर देने का, वो 20 मिनट तक हो रहा है। तो जो भी उसके ऊपर इन्फेक्ट है वो सब माइक्रोबियल लोड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है मर जाएगा, अंडे क्लीन हो जाते हैं, क्लीन भी हो जाएगा। उसके बाद छोटा अंडा निकाल देना और अबनॉर्मल एग्स को निकाल देना, पतला अंडा निकाल देना, वो सब निकाल के जो अच्छा अंडा रहेगा बराबर वजनदार उसको लेकर हम लोग कूलिंग रूम पे रखेंगे, है ना। ये इधर से जाएगा स्टोर रूम, ये होता है हमारा ये एसी रूम है ना। ये कम्प्लीटली एसी, 2 AC लगा है, 16 डिग्री है, हर अखबार में एक बार, हर मंडे को होता है, वीकली वंस, है ना, हफ्ता में एक बार सेटिंग करते हैं हम लोग। तो इधर हफ्ता तक अंडा रहेगा, हाँ, क्योंकि हमारा मशीन की कैपेसिटी ऑर्डर जो आएगा उसी हिसाब से सेट करें। अंडा तो डेली प्रोडक्शन होता है, 1000 होता है, 1500 होता है, 2000, 3000, जितना भी अंडा रहेगा मशीन कैपेसिटी सपोज 5000 तो डेली हो गया 1000 अंडा, तो हमको 7 दिन तक रखना पड़ेगा ना, इतना अंडा होने से हम सेट करेगा। तो ये 7 वीकली वंस पर और हफ्ता में एक बार मंडे को होता है सेटिंग होता है, कभी कभी 10,000 अंडा सेटिंग। अभी ये तो ट्रायल के लिए आया है, 1000 अंडा बैठा है, 2 अंडा सपोज हर मंडे को सेटिंग करते हैं सोमवार को, है ना। ये होता है सेक्टर बाय इनक्यूबेटर, ये इनक्यूबेटर इसमें अंडा सेटिंग होता है। अच्छा मुर्गी का अंडे पिल्लू आने के लिए 21 दिन बोला, 21, तो ये सेक्टर में कितना दिन रहेगा ना, 18 दिन, हाँ ये 18 दिन रहेगा। कूलर से अंडा निकालेगा जिस दिन सेट करेगा, आधा घंटा 45 मिनट इसे बाहर रखना है, पानी निकल जाएगा, उसके बाद उसका अंडे को सेटिंग करें। ये जो अंडे का जो मशीन था ये टेम्परेचर वो दिखाता है डिजिटल, अच्छा है ना। टेम्परेचर हाई हो जाएगा कम हो जाएगा वो आपको हर घंटे में लिखना पड़ता है ना। ये टेम्परेचर इधर का मशीन का होता है इनक्यूबेटर का 99.5 डिग्री, समझ में आया। मतलब वो छोटा मशीन उसका भी उतना ही रहेगा, सबका मशीन है कि जो मुर्गी का अंडा भी बढ़ता है, मुर्गी इतना टेम्परेचर ही देता है, तो 99.5 डिग्री फारेनहाइट में ये मशीन टेम्परेचर रहेगा। इधर टेम्परेचर दिखेगा, ये तो इधर दो टेम्परेचर थर्मामीटर है, ये देखिए एक में ड्राई बल्ब एक में वेट बल्ब, मतलब ह्यूमिडिटी एक में दिखा जाएगा और एक में टेम्परेचर दिखेगा। ये हर घंटा में हमारा जैसे संभव है ऐसे लोग रहते हैं वो हर घंटा में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लिखेंगे। ये 84-85 तक ह्यूमिडिटी रहना चाहिए मशीन है, तो ये हिसाब से ये टेम्परेचर ये जो अंडा है वो देखो ये अंडा है ऐसे बैठा, ये 1000 अंडा बोल के ट्रे खाली है, उसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी गर्म होता है उसका, हाँ। और पानी भी है आता है, ऐसे नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, करंट चाहिए नहीं है तो बैकअप आपको बैटरी आपको जनरेटर रखना चाहिए, मतलब लाइट चाहिए। बेसिन घूमता है ना 1 घंटा 1.5 घंटा तो लोड शेडिंग होगा तो अंडे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर के हिसाब से, तो इधर 18 दिन रहेगा, 18 दिन के बाद हम लोग अंडे को ट्रांसफर कर लेंगे। हाँ ये उसका डेट आना था 6 आ गया ना, आज डेट है परसों संडे 6 चला गया था, आज जाएगा ये इतना निकला 260 किलो अंडा और ट्रांसफर हो गया। इधर हम लोग लाइट में अंडा को देखते हैं, ये अंडा खराब हो गया, 1000 अंडा में इतना अंडा खराब निकला, मतलब इसमें पिल्लू नहीं है, इसमें पिल्लू है कि नहीं हम लाइट कैंडलिंग में करते हैं है ना, लाइट में दिखाते हैं, हमें दिखा देगा ये खराब है कैसा पता चला, ये देखा था उसको समझाया तो पर मैं बोल के उसको लगाया जैसे अरे वो लगे नहीं तो चलो वाला क्यों लगाया, ये का जो अंडा है देखते हैं ना लाइट पास किया जाता है, हां तो वो पिल्लू नहीं है उसमें, जो लाइट पास कर जाएगा लाइट दिखता है ना, जो अंधेरा दिखता है डार्क दिखता है उसमें पिल्लू है, अच्छा तो उसको लेके वो हैचिंग मशीन में डाला है 18 दिन में, ये 18 दिन में लाइट नहीं दिखना चाहिए, लाइट दिखेगा तो वो अंडा खराब है, ये अभी अंडा खराब हो गया उसका, वो उसके अंदर डार्क रहेगा पिल्लू रहेगा, अंधेरा दिखेगा काला काला दिखेगा तो है ना, फिर वापस रखता है उसको, हाँ उसको वापस हैचरी को ट्रांसफर होगा। पहला मशीन कौन सा है, सेटर इनक्यूबेटर, पहला इनक्यूबेटर उसके बाद ये 18 दिन के बाद इसे कैंडलिंग करेगा, अच्छा अंडा जो पिल्लू है उसको लेके हैचर में डालेगा, हैचर में इनक्यूबेटर है दूसरा हैचर है बस, सेटर और इनक्यूबेटर हैचर इसका ट्रे अलग है उसका ट्रे अलग है, ओके इसका अंडा ट्रे में सेटिंग हुआ उसका ऐसे प्लेट में डाल दिया, ऊपर वैसा ही होगा ऐसे रहे, ऐसे ट्रे रहेगा तो पिल्लू उधर अच्छा होगा है ना, अपने आप उसमें से निकलेगा वो, ये जो ट्रे है वो किताब दिया में उधर लिखा पिल्लू लिखते थे, अच्छा अच्छा पिल्लू लिखते नाही आम्ही ठेवतो त्याच्यामध्ये 18 दिवसानंतर इथे 3 दिवस हे 18, 19, 20, 21 3 दिवस इकडे ठेवतो 18च्या नंतर पुढे 3 दिवस इथे ठेवलं म्हणून सगळे मिळून 21 दिवस येते त्याच्यामध्ये 18 आणि 3 दिवस याच्यामध्ये 21 दिवस होते दिमासा पिल्लू निकलेगा, पिल्लू को इधर रख के हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, अच्छा पिल्लू अभी पिल्लू नहीं निकला है ना, निकलेगा कल परसों कल निकल जाएगा, कल निकल जाएगा तो हो जाएगा कि आज शाम को निकल जाएगा, आज शाम को निकल जाएगा तो वो फट जाएगा, टाइम पता होगा ना सर, रुकते हैं फिर हम देख के जाएंगे, फिर 2500 किलो आएगा किलो, ऐसे किलो में देखा है कितना बजे आएगा ये, शाम 5 बजे 4 बजे तक चल जाएगा पार, अभी भी लोग कुछ नहीं है ना दिखाओ ना सर, एक मैडम इकड़े दाखवते ना इधर सर एक मिनट सर 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 किती सर है मोजा झाले असं आहे आज पार गया अपन बुक करतो ना ते सगळं ठरवतात 21 दिवस पूर्ण 18 याच्यामध्ये 3 दिवस 3 दिवसानंतर 1 दिवसाचं पिल्लू आपल्याला देतात खाना पीना नहीं अभी पार हो जाएगा तो खाना पीना अभी ये लिया अभी पार में जो खाना पीना पड़ेगा अभी क्या खाना पीना करेंगे कैसे टाइम इसको भी गरम देना है अभी उसको भी गरम देना है ना क्योंकि वो माँ जब पिल्लू निकलते है माँ पंख के नीचे रखता है कि नहीं पंख के नीचे रखता है मतलब गरम देता है खाना पीना सिखाते हैं उसको पानी पिलाते हैं उसको जैसे हम लोग को पार हो जाएगा तो पार में वही टेम्परेचर देना है दाना देना है पानी देना है वो तीनों काम करने से वही होता है।